चुनी दुरी घुमी दुरी चली कहाँ चोरी चोरी खमाते है बनी दुरी रे से बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए। परी ने प्रस्तुति किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम आग्रह करेंगे अपने सदस्य के लोगों से, अपने टीम के लोगों से, श्री शंकर भैया को स्टेज पर लेके जाएंगे, सम्मान पूर्वक स्टेज पर लेके जाएंगे। मैं अपने भाई सुशी राणा जी से आग्रह करेंगे बाल दिवस के उपलक्ष्य पे मंच में उपस्थित सभी संस्था के सम्मानित पदाधिकारीगण, साथ ही साथ मधुगुण हाथों के पूरे माताएं बहनें बच्चे, हमारे सहयोगी और वरिष्ठ नेता आदरणीय सुबोध जी, उपस्थित सभी लोगों को मैं आज ऐसे कार्यक्रम के लिए पहले आयोजक बंधु को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई दूंगा। ये थोड़ा नया हटके एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है शहर में। देखिए अभी बागुन नगर में ही लगता 3-4 कार्यक्रम चल रहा है जो हम लोग लगातार अभी 1 घंटे पहले करके आए हैं। लेकिन बाल मेला क्या है कि इसमें हम ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं जिसको कि हम कुछ न कुछ एक्टिविटी से जोड़ते तो जरूर हैं, लेकिन उसको एक प्लेटफॉर्म देने का हम लोग प्रयास नहीं करते यार। और आज संस्था आज छोटे बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, और साथ ही साथ अभी देख रहे हैं कि मेडिकल कैंप लगाया है, बच्चों के लिए झूला लगाया है, तो एक फन भी हो रहा है बच्चों का। पूरा साल भर पढ़ना और उसके बाद थोड़ा ब्रेक मिलना ये बहुत जरूरी है आज के समय में, जो जितना लोड है हम अपने पाठ्यक्रम में देख रहे हैं बच्चों को कितना लोड। 3 दिवसीय बाल मेला बागुनाथू मैदान में किया जा रहा है और उनकी याद में चतुर्भुज प्रसाद जी के पुण्यतिथि में, और उनके पूरे परिवार के सदस्य हैं और स्कूल के टीचर हैं और उनके पूरे बागुनाथू की टीम है। तो हम चाहेंगे कि यह बाल मेला की शुरुआत कब से हुई और इसमें क्या क्या कार्यक्रम किया गया। बाल मेला की शुरुआत ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। हम लोग तो इसके पहले पापा के पुण्यतिथि में बहुत सारे कार्यक्रम करते थे, पापा का बच्चों लोगों से बहुत ज़्यादा लगाव था, तो हम सोचे क्यों ना बच्चों लोग के लिए किया जाए। और बच्चे लोगों का भी एग्जामिनेशन भी ख़त्म हो गया, वो भी रिफ्रेश हो जाएंगे, पेरेंट्स भी रिफ्रेश हो जाएंगे, और इस तरह का कार्यक्रम हम लोग किए कि बच्चों को उससे खुशहाली मिले। जो बच्चे को हम लोग प्रोत्साहन नहीं मिलता था, वो आगे बढ़ कर नहीं आ पाते थे, उन लोगों को हम लोगों ने आगे लेके आया। मैडम इसमें और क्या बच्चे के लिए क्या क्या इंतजाम किया गया? इस प्रोग्राम में बच्चों के लिए हमने डांस कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, बच्चों में जितना प्रतिभा है, सिंगिंग कंपटीशन, सारे कंपटीशन रखे हैं, क्विज कंपटीशन भी रखे थे, बट देख रहे हैं इतना ज़्यादा भीड़ हो रहा है तो संभव नहीं हो पा रहा है सब कंपटीशन की। बच्चों को ये सोच रहे थे कि ये ग्रामीण इलाका है, लेकिन बच्चों में इतना ज़्यादा प्रतिभा है, ये प्रोग्राम करने के बाद हम लोगों को पता चला। हमारा स्कूल में तो बहुत प्रतिभा है, बट पूरे बस्ती में इतने प्रतिभा है हमने देखा, और कल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में पता चलेगा कि कितने बच्चे इसमें प्रतियोगी जीते हैं, सब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कल होगा। इसमें बागुनाथू में कौन कौन आप लोग को साथ दिए है, कौन कौन आए थे गेस्ट? हम लोग का अभी तक जो भी गेस्ट आए हैं, अभी तो आपके सबों के बीच हमारे श्री शंकर जी हैं, उसके पहले हम लोग का अभी अमरप्रीत सिंह काले आएंगे, सरजू राय जी, उसके बाद चंद्रगुप्त सिंह जी, राकेश्वर पांडे जी, इन सभी को हम लोग निमंत्रण किए हैं। चलिए, बाल मेला का आयोजन कोई सामाजिक संस्था नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कोई कॉरपोरेट नहीं, या बाल मेला किसी परिवार के द्वारा किया गया था और परिवार के श्री गणेश या चंद्रभूप प्रसाद जी के पुण्यतिथि में किया जा रहा है, और इसमें पूरी बस्ती वाली को मिला लिया गया है, बच्चे को टैलेंट उभारने के लिए बहुत अच्छा बाल मेला का एक आयोजन है। हमें लगता है कि बाल मेला का आयोजन और भी होगा और इससे धूमधाम से होगा। एडी लाइब्रेरी टीम को, सभी को धन्यवाद, जोहार।